हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रिया सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वॉशिंग मशीन को बिना ड्रेन किए ही वॉशिंग मशीन में जो भरी पानी है पूरा निकल जा रहा है, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकेंगे और क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वॉशिंग मशीन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमें वॉशिंग मशीन की पीछे साइड यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन की पीछे जो कवर था उसको निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन में जब हम ड्रेन किए बिना ही इसमें जो टप में भरी पानी है आखिर क्यों निकल रहा है, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है ड्रेन सिलेक्टर। अब कुछ मशीन में ये चूड़ीदार होती है, इस मशीन में ये लॉक सिस्टम है, तो इसको हम पहले बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालते ही यहाँ पर स्प्रिंग और इसकी जो रबर्स है वो बाहर आ जाती है। तो इससे बहुत सिंपल और छोटा सा प्रॉब्लम होता है अगर इसमें पानी रुक नहीं रही है, बिना ड्रेन किए भी पानी जो है निकल रही है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर देखेंगे कि कुछ सिक्का या पिन या कुछ कपड़े की कतरन ऐसे इसमें आकर फंस जाती है, जिसके कारण ये जो रबड़ है उसको प्रॉपर स्टॉप नहीं कर पाता है। इसीलिए बिना ड्रेन किए ही वॉशिंग मशीन की टप में जो भरी पानी है वो निकल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसमें जो फंसी है पिन, सिक्का या कुछ कचरे फंसी होती है उसको हमें निकालनी है। उसके बाद इस रबड़ को अच्छे से साफ करना है हमें। साफ करने के बाद हम फिर से इसको इसमें लगा सकते हैं। तो साफ करने के बाद हम फिर से इसको अच्छे से लगा लेंगे और यहाँ पर जो रस्सी है उसे भी हम लगा देंगे। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल और छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इसको हम खुद ही बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आइडिया आपको कैसा लगा? अच्छी लगा तो लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और वॉशिंग मशीन से जुड़ी नई नई वीडियो और नई जानकारी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी नई नई वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेगा। हम फिर मिलेंगे वॉशिंग मशीन से जुड़ी एक नई वीडियो में।